Assalamualaikum, आप देख रहे हैं 47 News और मैं हूँ हिला नासिर। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हाफिजाबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अवामी आगाही सफर को बेहतर बनाने, ड्राइविंग के असूल और स्मोग और हादसों से महफूज सफर करने के लिए मोटर कार, टोयोटा मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर को पंपलेट तकसीम किए गए। सिविल एंड एविएशन में चेरिंग क्रॉस वेटरनरी यूनिवर्सिटी के तलबा का धरना, मुतलका पुलिस ने फौरी मौका पर पहुंच के ट्रैफिक बहाल कर दी। पुलिस की एहतजाज के शुरका को रोड पर न आने की हदायत। फरुखाबाद में महकमा इनहार की मिली भगत, अपर गोगीरा नहर से गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने का सिलसिला जारी, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। शहरियों के मुताबिक महकमा इनहार के मुलाजमीन अपनी जेबें गर्म करने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनियों से साजबाज होकर गोगीरा नहर से रेत निकलवा रहे हैं। हैवी मशीनरी की मुसलसल खुदाई से नहर में गहरे पड़ने के साथ साथ गोगीरा नहर के किनारे भी टूट फूट का शिकार हो चुके, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इनका मजीद कहना था, महकमा इनहार को लोगों की जिंदगियों से कोई सरोकार नहीं, अपर गोगीरा नहर की इंतजामिया गैर कानूनी तरीके से रेत निकलवा कर महकमा को रोजाना लाखों रुपए का चूना लगा रही है। मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस का पतंगबाजी के हवाले से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी, डीएसपी कहना रजाकार हुसैन शाह और एसएचओ नशर कॉलोनी की अहले इलाका के साथ मीटिंग। पतंगबाजी के हवाले से पुलिस के साथ तावुन करने की अपील। पतंगबाजी करना और इसकी फरोख्त करना कानूनी जुर्म है, इससे परहेज करें। पतंगबाजी एक जानलेवा खेल है, वालिदैन अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर रखें। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, मजीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए 47 News। इसके अलावा हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर।